नमस्कार, मैं हिमांशु व्यास, जिला अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ युवा। हमारे शिक्षक संगठन के साथियों ने बाकी सारी मांगे रख दी है, लगभग वही मांगे हम मांग ही रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देश का जो विकास होता है वो शिक्षा के आधार पर होता है, परंतु फिर भी शिक्षकों को गैर शिक्षणिक कार्य के अंदर लगाया गया है, तो फिर विकास कहाँ से होगा। दूसरा, BLO को भी गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति दे रहे हैं, एक अलग से, जैसे हमारे साथी ने बताया कि अलग से पद जनरेट कर दे तो जो बेरोजगारी वो भी कम हो जाए, या फिर जो कई स्कूलों के अंदर शिक्षक नहीं है पढ़ाने के लिए, तो विद्या सफल के माध्यम से भी आप अगर लगा दें तो बेरोजगारी कम होगी। साथ ही साथ TSP क्षेत्र में जो वनवास काट चुके हैं शिक्षक, उनको फिर से नॉन TSP में लगाने के लिए काउंसलिंग करवा के उनके गृह जिलों में भेजा जाए। DPC जो अटकी हुई है उसको भी क्लियर करें। इसके अलावा मैं दो मांगे विद्यार्थियों के लिए भी यहाँ पे रखना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। एक तो सरकारी विद्यालयों में क्या है कि स्मार्ट क्लासेस खोली जाए, जैसे कि मॉडल में खोली गई है। दूसरा, कक्षा 1 से 12 तक नैतिक शिक्षा की बुक जरूर लागू की जाए, ताकि जो बच्चों में नैतिक मूल्य है वो फिर से विकसित हो सके। थैंक यू सो मच। हेलो, आदरणीय श्रीमान ATM साहब, एक वेबसाइट बनाई है mission2030.rajasthan.gov.in। सुझाव सब कर्मचारियों और आम जन की मदद, सलाह और सुझाव के रोड मैप तैयार करना हर से बने। इसी प्रकार के कार्यक्रम समस्त विभागों के आयोजित किए जा रहे हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट का अलग हो रहा है, उद्योग विभाग का अलग हो रहा है, श्रम विभाग का अलग हो रहा है।